गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर, और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हमने कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव का यूज़ किया था सेंटेंस में। सो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे हम किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट में हम नाउन क्लॉज का हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। तो ये चीज़ भी हम जो है प्रेडिकेट पार्ट में ही ऐड करेंगे, हम सब्जेक्ट को अब नहीं करेंगे इस चीज़ में ऐड, हम प्रेडिकेट में ही अब हम ऐड करेंगे। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं इसका। सो ये हमारा जो है तीन चीज़ें यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और प्रेडिकेट है, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है, और इसको इसकी जगह हम आज यूज़ करेंगे नाउन क्लॉज। सो सबसे पहले हम इसके अंदर एक एग्जांपल हम पुट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। द फैक्ट इज़ दैट ही इज़ वेरी लेज़ी, यानी कि जो फैक्ट है वो ये है कि ये ही इज़ वेरी लेज़ी, यानी कि वो बहुत लेज़ी है। सो इसमें आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं फैक्ट की, तो फैक्ट तो हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, इज़ हो जाएगा वर्ब, और कॉम्प्लीमेंट नाउन जो है यहाँ पे नाउन क्लॉज जो है जो फैक्ट को जो यानी जो सब्जेक्ट है इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि इसके बारे में बता रहा है हमको कि इसकी विशेषता बता रहा है कि जो व्यक्ति है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा आलसी है। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है इस सब्जेक्ट की विशेषता हमको बता रहा है कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, कि दैट ही इज़ वेरी लेज़ी। तो यही जो पार्ट हो जाएगा दैट ही इज़ वेरी लेज़ी, सो ये पार्ट हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज सेंटेंस के अंदर। सो इस तरीके से सेंटेंस में द फैक्ट जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट, इज़ हो जाएगा वर्ब, और दैट ही इज़ वेरी लेज़ी, तो ये पार्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, मीन्स वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग द सब्जेक्ट हियर। सो ये पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट में, और ये जो है ये है एक नाउन क्लॉज। सो इस तरीके से ये हमारा पहला सेंटेंस जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये है दिस इज़ वॉट आई मेंट, यानी कि यही मैं कहना चाह रहा था, या मैं यही कहना चाह रहा था, इसका मतलब यही है एक तरीके से। सो इस सेंटेंस में आप देखिए कि जो है दिस जो है यानी कि यही जो बात है इसको हम कहेंगे कि सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, कि यानी कि दिस इज़ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो वर्ब है यानी कि इज़, तो ये हो जाएगा वर्ब, और वॉट आई मेंट मतलब कि मैं यही मानता हूँ, तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो दिस है यानी जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी चीज़ के बारे में हम इसमें हम वज़न डाल रहे हैं उस बात में, यानी कि वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग द सब्जेक्ट अगेन हियर। सो वॉट आई मेंट इज़ दिस, तो इसी पे हम जो है इस पे हम एक दबाव डाल रहे हैं सेंटेंस में, एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। सो ये जो पार्ट हो जाएगा वॉट आई मेंट सेंटेंस में, ये पार्ट हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट पार्ट सेंटेंस का, जो कि प्रेडिकेट में है, और ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। सो इस तरीके से ये सेंटेंस भी जो है ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, That is what I wanted to do. यानी कि ये वही है जो मैं करना चाहता था. तो यहाँ पे देखिए हम किन बात कर रहे हैं, दैट यानी कि उसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो दैट हो जाएगा, ये तो हो गया सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद इज़ हो जाएगा वर्ब, उसके बाद सब कॉम्प्लीमेंट जो है वॉट आई वॉन्टेड टू डू, यानी कि वही जो मैं करना चाहता था. सो ये जो है ये हम वॉट आई वॉन्टेड टू डू इज़ अगेन दैट, यानी कि इसी चीज़ को हम करना चाहते थे यहाँ पे. सो वॉट आई वॉन्टेड टू डू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट. और ये पूरा पार्ट जो है ये प्रेडिकेट है. हम बात किसकी कर रहे हैं, दैट की, वो जो मैं करना चाहता था. सो यहाँ पे वो जो हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, और करना जो चाहता था वो हो जाएगा प्रेडिकेट. अब जो ये है कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, यानी कि जो यह प्रेडिकेट है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट को. और ये है एक नाउन क्लॉज, अगेन ये भी एक नाउन क्लॉज है, आप सब देख सकते हैं. सो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हो जाएगा हमारा, कि ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट नाउन, या नाउन क्लॉज के हम फॉर्म में इसको ले सकते हैं. सो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, लाइफ इज़ वॉट वी मेक इट, यानी कि लाइफ इज़ वॉट वी मेक इट, यानी कि जो लाइफ है वो वही है जो हम उसको बनाना चाहते हैं, यानी कि लाइफ हम अपने हिसाब से बना सकते हैं. सो लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो लाइफ विल बी द सब्जेक्ट, लाइफ हो जाएगा सब्जेक्ट, इज़ हो जाएगा वर्ब, वॉट वी मेक इट यानी कि अब हम अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं. सो हम बात कर रहे हैं लाइफ की, लेकिन हम जो मेन बात है वो यहाँ है कि वॉट वी मेक इट, कि हम लाइफ को जैसा हम बनाना चाहते हैं हम वैसा बना सकते हैं. सो मेन जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये पार्ट में है, कि लाइफ के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो ये है. सो दिस इज़ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द प्रेडिकेट, कि हम प्रेडिकेट में ही सेंटेंस के बारे में, हम सॉरी सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट पार्ट, जो कि एक नाउन क्लॉज है फिर से. सो ये सारे सेंटेंसेज जो है हमारे नाउन क्लॉज की फॉर्म में है. सो इस सेंटेंस में लाइफ हो जाएगा सब्जेक्ट, इज़ हो जाएगा वर्ब, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा वॉट वी मेक इट है प्रेडिकेट पार्ट में, जो ये नाउन क्लॉज है. सो ये अगेन दो नए एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए. नेक्स्ट है, ही इज़ वेरी हंग्री, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हंग्री है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ही की, इज़ हो जाएगा वर्ब, और वेरी हंग्री यानी कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है. तो कौन भूखा है सबसे ज़्यादा, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो ये जो हो गया हमारा जो वेरी हंग्री, दिस पार्ट अगेन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, यानी वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूखा है. सो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ नाउन क्लॉज. सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लॉज, वेयर वी आर यूजिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द सब्जेक्ट. सो ही इज़ वेरी हंग्री मीन्स द सब्जेक्ट इज़ वेरी हंग्री. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट, दिस इज़ द वर्ब, एंड दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट नाउन क्लॉज, एंड दिस इज़ द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो दिस इज़ अगेन द फिफ्थ एग्जाम्पल. तो ये पांचवा एग्जाम्पल है जिसको आप समझ सकते हैं. सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, जिसमें हम प्रेडिकेट पार्ट में स्पेशली हम कॉम्प्लीमेंट के लिए, किसी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम उसमें नाउन क्लॉज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. सो उसको हम किस तरीके से करते हैं वो हमने सीखा, और हमने आज डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स भी समझे, जिसमें हम अलग अलग कंडीशन में हम उस चीज़ को लगा के
और उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं, जिसमें कि हमने उसको सब्जेक्ट में बांटा, वर्ब में बांटा और प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हमने उसको बांट के हमने उसको समझने की कोशिश करी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।